चिकन पॉक्स जिसे छोटी माता भी कहते हैं, वे किसी को भी हो सकती है। चिकन पॉक्स वैरिसेल जॉस्टर वायरस की वजह से होती है। इसमें बुखार के साथ साथ शरीर पर लाल रंग के दाने हो जाते हैं। यह बीमारी ठीक होने के बाद दाने सूखकर झड़ जाते हैं, लेकिन इसके निशान रह जाते हैं। शरीर के किसी दूसरे हिस्से में तो निशान छिप जाते हैं, लेकिन चेहरे पर दाग रह जाने की वजह से खूबसूरती खराब हो जाती है। दानों पर कभी कभी खुजली या इन्हें घिसना से ये बहुत गंदे दाग छोड़ देते हैं। ऐसे में कुछ घरेलू उपाय करके इन दाग धब्बों से छुटकारा पाया जा सकता है। आइए जानिए ऐसे ही कुछ आसान नुस्खों के बारे में। नारियल पानी। नारियल का पानी न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसमें ढेर सारे पोषण शामिल मिले होते हैं, जैसे कि लोरिक एसिड और सिट्रिकिन्स। यह सेल की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, स्किन का पीएच बैलेंस करते हैं। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण होते हैं, जो कि मुंह से निकलने से रोकते हैं। नारियल का पानी पीने के साथ साथ आप इसे प्रभावित एरिया पर लगा भी सकते हैं, जिससे आपको तुरंत ही राहत मिले। नारियल पानी में मौजूद साइटोकाइन सिट्रिकिनिंस त्वचा को राहत देने और स्किन सेल्स को बनने में सहायता करते हैं। रुई के फाहे को नारियल पानी में डुबोकर दाग वाले स्थानों पर लगाएं। रात भर यूं ही लगा रहने दें और सुबह गुनगुने पानी से साफ करें। यह मीठी चीज एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है, जो आपकी त्वचा को नया बनाती है और दाग धब्बों को भी हल्का करती है। शहद में केवल ओट्स मिलाएं और दागों पर लगाकर आधे घंटे के बाद ठंडे पानी से धो दें। पपीता त्वचा को अच्छी तरह हाइड्रेट करने के साथ डेड स्किन और पपड़ी को हटाने का काम करता है, और आपकी त्वचा निखरी हुई दिखाई देती है।